Hey guys, this is Om. This is Pyara. So guys, ये चैनल हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है guys. और आप जो पीछे देख सकते हैं हम लोग अभी पे हैं रांची रेलवे स्टेशन के दुर्गा पूजा पंडाल में हैं, जो कि अभी पूरा तैयारी चल रहा है. हर साल के भांति इस साल भी यहाँ जोर शोर से तैयारी हो रहा है. और जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस कि रांची स्टेशन में कुछ ना कुछ तूफानी होता है. अभी तो बस तैयारी है, अब ज्यादा दिन पूजा में बचा हुआ भी नहीं. 20 से 25 दिनों के बाद में माँ भगवती का आगमन है, दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है. गाड़ी स्टार्ट कर, देखते हैं अंदर क्या तैयारी चल रहा है, कैसे चल रहा है, देखते हैं अंदर जाके. और देखते हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है माता रानी का मूर्ति भी बनाया जा रहा है. और आप एक बार देख सकते हैं व्यू, पूरा एकदम जोर शोर से काम चल रहा है. तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या मटेरियल्स हैं और पंडाल देख रहे हैं यहाँ पे मतलब फ्लाई बोर्ड से बनाया गया. सो गाइस, मैं सबसे पहले अपने एक भाई से मिलाना चाहता हूँ जो कि जिसका नाम है राजीव कच्छप और इसका है यूट्यूब चैनल राजीव लाइफस्टाइल. और ये भी एक ब्लॉगर है और मैं भी ब्लॉगर हूँ. तो भाई ये जो है हमारा चैनल को मैनेज करेगा, तो हम लोग का चैनल का मैनेजर बोल सकते हैं क्या राजू? तो राजू दो शब्द अपने बारे में बताओ. बता दो भाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है राजीव कच्छप के नाम से. आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मैं भी क्रेजी क्रेजी वीडियो डालता हूँ. और आज से ओम का चैनल हम मैनेज करेंगे. फिलहाल अब से इसका चैनल मेरे हाथों में रहेगा. और जैसे कि ओम का पुराना चैनल जो है काफ़ी पुराना चैनल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, हर वीडियो एक के बाद एक डिलीट होते जा रहा था. ऐसी करते करते 15-20 वीडियो डिलीट हो चुका था. तो वो चैनल हम लोग जो है हटा दिए, अब न्यू चैनल पे काम कर रहा है. तो इसलिए ओम को थोड़ा लाइक सपोर्ट जो करना है भाई अपनी तरफ से प्यार बार देना है पूरा भाई को. और इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का लिंक भी रहेगा, तो जाकर भाई को और सपोर्ट करें. तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं दुर्गा पूजा का पंडाल रांची स्टेशन का कैसा बनाया जा रहा है. चलो चलो चलते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम पूरा प्रोग्रेस में है, पूरा चल रहा है. और यहाँ पे भारत का नक्शा शायद बनाया जा रहा है. भारत का नक्शा है शायद, अखंड भारत है. मतलब किस थीम पे बनाया जा रहा है अभी तक कोई अंदाजा नहीं लग रहा है. आप लोग लगा सकते हो अंदाजा. अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये देख के तो कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि क्या बनने वाला है. कम से कम कमेंट तो आ जाना. तो चलते हैं यहाँ तक. हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे माता सेना वाली का मूर्ति भी बनाया जा रहा है, क्योंकि काम पे है. और यहाँ पे तो कुछ कारीगर भी नजर नहीं आ रहे कि जिनसे हम थोड़ा सा पूछ सके, 2 मिनट का इंट्रोडक्शन ले सके. यहाँ पे आप देख सकते हैं माता रानी का मूर्ति बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही विशाल है. और किस थीम पे बनाया जा रहा है अभी तक अंदाजा नहीं लग रहा है. आप लोगों को अगर पता होगा तो अभी यहाँ कुछ कारीगरों से पूछताछ करने के बाद में हमें कुछ पता चला है. तो ये जो है थीम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बनाया जा रहा है. और आप ये जो देख रहे हैं लकड़ी को छाला बकरा बोल सकते हैं, ये इसमें माता का गर्भाशय को दिखाया गया है और उसे ही कुछ रिलेटेड है. तो अभी तक हम लोग को भी पूरा बात पता नहीं चला है, उन लोगों को भी जितना इन्फॉर्मेशन था उन्होंने दिया. अब आगे जाकर देखते हैं कि क्या होता है. एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूर्ति बनाया जा रहा है, मूर्ति भी बनी गया है, कलर होना बाकी है और बाकी तो पंडाल का काम चल ही रहा है. सो यहाँ पे पूछताछ करने से पता तो नहीं चल पाया कि कितना का खर्चा में पंडाल बनाया जा रहा है. तो कम से कम देख के तो लग ही रहा है कि लाखों की लागत पर पंडाल बनाई जा रही है. और कितना ऊंचा है कितना बड़ा कुछ पता नहीं है. और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब तो पता चल ही जाएगा कि कितना में बनाया जा रहा है. तो देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है कि क्या बनने वाला है. तो अंदर देख से इसमें कुछ खास नहीं लग रहा अभी, लेकिन बनने के बाद ही पता चलेगा. अभी हम लोग पहले ये नहीं बोल सकते कि ऐसा बनेगा ऐसा कुछ नहीं. जब पूरा बनेगा तभी आप लोग को बताएंगे कि क्या बनने वाला है. तो चलिए बाहर जाके देखते हैं कि बाहर का क्या सीन है. ये जो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा देख रहे हैं ये 14 फीट की है, जो कि रांची रेलवे स्टेशन की प्रतिमा है. और ये माँ शेरावाली की मूर्ति है. हम लोग यहाँ पे पंडाल में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि भैया लोग अब काम शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ से. इस साइड जो बांस दिख रहा है जल्दी फोकस करो, गजब बेइज्जती है. इस साइड बांस दिख रहा है और इस साइड जो बांस दिख रहा है इसमें क्या बोलते हैं प्लास्टिक वाला बल्ब लगेगा, ऐसा बोल रहे भैया लोग. प्लास्टिक वाला बल्ब लगेगा सब जगह, मतलब अलग अलग डिजाइन बनेगा, यहाँ अलग डिजाइन बनेगा, वहाँ अलग डिजाइन बनेगा, वहाँ अलग. अगर हम करें तो करें, क्या बोलें तो बोलें, क्या डिजाइन बनेगा ऐसा ऐसा तो भैया लोग बोले हैं. पता नहीं अब क्या सोच के बोले. बाइक तक जाएगा वैसे रे पंडाल, और इतना ही रहेगा और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. सर झारखंड में अगर दुर्गा पूजा घूमना है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें. कहाँ मूर्ति बनाया जाता है, कैसा कैसा पंडाल बनाया जाता है. अरे चैनल में घुस के घूम लीजिएगा. हाँ बस घर बैठे. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय माता दी.